नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल केमिस्ट एडवाइस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको टैबलेट टगरेटाल 200 mg टैबलेट के बारे में जानकारी देंगे। दोस्तों, टगरेटाल 200 mg टैबलेट की एक स्ट्रिप में 10 गोली आती है और इसकी कीमत लगभग 15 रुपये के आसपास रहती है। इस प्रोडक्ट को नोवार्टिस फार्मास्यूटिकल्स इंडिया द्वारा बनाया जाता है। इसके साल्ट कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसमें कार्बामाजापिन 200 पावर में मिला रहता है। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं टेग्रेटाल 200 mg टेबलेट के बारे में विस्तार से। दोस्तों, टेग्रेटाल 200 mg टेबलेट मिर्गी के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा है। यह बरामदगी यानी फिट को रोकने और नियंत्रित करने में मदद करता है। यह मधुमेह के कारण होने वाले नसों के दर्द या ट्राइजेमिनल न्यूजुलरे नामक चेहरे की दर्दनाक स्थिति के लिए भी इलाज किया जाता है। कभी कभी इसका उपयोग दुविधि विकार के लिए भी किया जाता है। टेग्रेटाल 200 mg टेबलेट का उपयोग अकेले या अन्य दवाओं के साथ किया जा सकता है। खुराक और आपको इसे कितनी बार लेने की आवश्यकता है यह आपके डॉक्टर द्वारा तय किया जाएगा, ताकि आपको अपने लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए सही मात्रा मिल सके। इसे धीरे धीरे बढ़ाया जा सकता है। आप इस दवा को भोजन के साथ या बिना भोजन के ले सकते हैं, लेकिन अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए इसे हर दिन एक ही समय पर लें। आमतौर पर काम करने में कुछ हफ्ते लगते हैं। इस दवा को नियमित रूप से और जब तक आपको सलाह दी जाती है तब तक लेना जरूरी है, भले ही आप ठीक महसूस करें। गुम खुराक बरामदगी को ट्रिगर कर सकती है और यदि आप रोकते हैं तो आपकी स्थिति खराब हो सकती है, इसीलिए इसे कभी भी अचानक बंद नहीं करना चाहिए। इस दवा के सबसे आम साइड इफेक्ट्स में मतली, उल्टी, चक्कर आना, थका हुआ या सूखा महसूस करना शामिल है। इनमें से अधिकांश गंभीर नहीं है। इस दवा को लेते रहें, लेकिन आपको डॉक्टर से बात करें अगर ये दुष्प्रभाव आपको परेशान करते हैं या दूर नहीं जाते हैं। हालांकि इस दवा को लेने से दाने या लालिमा दिखाई देती है तो आप अपना डॉक्टर को बताएं। यह स्टीवंस जॉनसन सिंड्रोम नामक एक जानलेवा त्वचा की स्थिति में विकसित हो सकता है। इस दवा के साथ लंबे समय तक उपचार से हड्डियों का कम होना यानी हड्डी टूटने का खतरा भी बढ़ सकता है। यदि आपका मूड उदास हो जाता है तो अपने डॉक्टर को बताएं। यह दवा हर किसी के लिए उपयुक्त नहीं है। इसका उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर को बताएं कि क्या आप कभी हृदय की समस्याएं, गुर्दे या यकृत की बीमारी, पेशाब करने में कठिनाई, अवसाद या अन्य कोई बीमारी है। कई अन्य दवाएं इसके साथ हस्तक्षेप कर सकती हैं और कुछ को एक साथ नहीं लिया जाना चाहिए। इसीलिए अपने डॉक्टर को बताएं कि आप जो दवाएं सुनिश्चित कर रहे हैं वे सभी सुरक्षित हैं। यदि आप गर्भवती हैं तो अपने डॉक्टर से पूछ लें, बिना इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। टेग्रेटाल टैबलेट का मुख्य रूप से उपयोग मिर्गी और चेहरे की नसों में दर्द के उपचार में किया जाता है। आइए अब जान लेते हैं टेग्रेटाल टैबलेट को लेने से क्या दुष्प्रभाव यानी साइड इफेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों, इसको लेने से आपको जीभ मचलाना हो सकता है, उल्टी आ सकती है, चक्कर आ सकता है या असंतुलन हो सकता है। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं टेग्रेटाल टैबलेट का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए। दोस्तों, इस दवा को अपने डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक और अवधि में लेना चाहिए। इसे पूरी तरह से निगल लेना चाहिए। इसे चबाना, कुचलना या तोड़ना नहीं चाहिए। टेग्रेटाल 200 mg टैबलेट को भोजन के साथ या बिना भोजन के लिया जा सकता है, लेकिन इसे एक निश्चित समय पर लेना बेहतर होता है। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं टेग्रेटाल टैबलेट किस प्रकार काम करता है। दोस्तों, टेग्रेटाल 200 mg टैबलेट एक एंटीसेप्टिक दवा है। यह मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाओं की असामान्य और अत्यधिक गतिविधि को कम करके बरामदगी या फिट को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी टैबलेट टेग्रेटाल के बारे में। जाने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।